गाइस, इंडिया में 99% लोग हाइपरपिगमेंटेशन से परेशान है ही। क्या आप भी इससे परेशान हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ हाइपरपिगमेंटेशन की प्रॉब्लम्स एंड हाइपरपिगमेंटेशन कैसे होता है, आपके फेस पे काली झाइयां किस तरीके से इसको हम गायब कर सकते हैं और एक किस कमी के वजह से होता है या फिर किस गलतियों के वजह से हमारे होता है, सो हम सबके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना विदाउट स्किप किए। सो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, हाइपर पिगमेंटेशन के बारे में आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है और जो मेरे चैनल पे सबसे ज्यादा जिसपे व्यूज आया है वो है हाइपर पिगमेंटेशन वाली वीडियो पे। जी हाँ, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जरूर प्रोवाइड कर लूंगी, अगर नहीं देखा है तो देख लेना आप लोग। और उसमें भी मैंने जो रेमेडी बताए हैं वो रेमेडी यूज करके बहुतों को हेल्प मिला है। इस वीडियो में भी जो मैं आप लोगों के साथ रेमेडी शेयर करने वाली हूँ वो 99% वर्क करेगा और आप लोग इस्तेमाल करके जरूर मुझे थैंक यू बोलोगे, क्योंकि उस वीडियो में जितने भी लोगों ने यूज किए हैं वो बाद में मुझे डीएम करके जरूर कहा है कि उससे उनको बहुत ज्यादा फर्क मिला है। सो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि हाइपर पिगमेंटेशन होती कैसे है। सो गाइस, सबसे पहले मैं बता दूं कि हाइपर पिगमेंटेशन होता क्यों है। हाइपर पिगमेंटेशन होने का कारण, सबसे बड़ा कारण जो है वो हमारे गलतियों की वजह से ही होता है। जी हाँ, हम कुछ चीजें हेल्प होते हैं उनको हम अनदेखा कर देते हैं कि इससे क्या ही फर्क पड़ेगा, बट उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, वो हमें बाद में पता चलता है और किसी किसी को समझ में भी नहीं आता कि ये किस गलतियों की वजह से हो रही है। जी हाँ, तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है या फिर सबसे पहला जो थिंक है जिससे हमें हाइपर पिगमेंटेशन होती है वो है सूरज। जी हाँ, धूप। अगर आप कोई भी प्रोटेक्शन लिए बिना धूप में डायरेक्टली जाते हो, बहुत ज्यादा आना जाना है, एक दो घंटे का बात मैं नहीं करी हूँ, कभी कभार का बात भी नहीं करी हूँ, अगर डेली का आपका आना जाना है फिर भी आप कोई प्रोटेक्शन नहीं ले रहे हो, आप ना ही फेस को कवर करते हो, ना ही सनस्क्रीन लगाते हो, ना ही अम्ब्रेला लेते हो, तो इससे हाइपर पिगमेंटेशन होने के 100% चांस होते हैं। जी हाँ, और होते ही हैं। हाइपर पिगमेंटेशन लड़कियों से ज्यादा लड़कों को देखने को मिलता है क्योंकि उनका बाहर निकलना ज्यादातर होता है। मैंने जो ऑब्जॉर्व किया उस हिसाब से मैं बता रही हूँ और धूप के वजह से ही हाइपर पिगमेंटेशन होता है। सो कभी भी बाहर जाओ तो प्रोटेक्शन जरूर लो धूप से ताकि आपकी स्किन डैमेज ना हो। सो गाइस, नेक्स्ट जो थिंग है वो है कोई भी ऐसा मेडिसिन लेना जिससे आपको एलर्जी हो रहा है। जी हाँ, या फिर आप प्रेगनेंसी पिल्स खा रहे हो तो उसकी वजह से भी हाइपर पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा चांस होते हैं होने के, बहुत ही ज्यादा। क्योंकि अगर आप डॉक्टर की सलाह से खा रहे हो फिर तो ठीक है, थोड़ा सा इरिटेशन हुआ या फिर कुछ भी हुआ तो आप बता सकते हो, बट अगर आप खुद से कल को ये पिल्स ले रहे हो उससे आपको पता भी नहीं चलेगा कि उस वजह से आपको हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो रही है। और ये भी जरूरी नहीं है कि आपको प्रेगनेंसी पिल से ही हो, कोई और मेडिसिन से भी हो सकता है। जैसे कि आप कोई ऐसा मेडिसिन खा रहे हो जो कि आपके बॉडी में कुछ और ही रिएक्ट कर रहा है तो उसकी वजह से भी आपको बहुत बार हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आप प्रेग्नेंट हो तो उसकी वजह से भी बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं एंड उसके वजह से भी आपको हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। हर किसी की प्रेगनेंसी अलग अलग रिएक्शन करती है तो हो सकता है आपके बॉडी में उसके वजह से हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो। नेक्स्ट, आपको अगर किसी चीज से बहुत ज्यादा एलर्जी है या फिर आपका एलर्जेटिक स्किन है तो भी आपको हो सकता है किसी चीज से आपको हाइपर पिगमेंटेशन हो गया हो, या फिर आपका हार्मोनल इनबैलेंस हो रहा है बहुत ज्यादा और आपको पता भी नहीं चल रहा है, या फिर आपको समझ में आ रहा है बट आप सोच रहे हो कि क्या ही होगा, बट वो बाद में जाके आपको हाइपर पिगमेंटेशन के जरिए आपकी स्किन पे निकल के आता है। सो अगर कुछ भी ऐसा कुछ भी आपकी स्किन में या फिर आपके बॉडी में चेंजेस देखो तो डॉक्टर से जरूर मिला करो। एंड नेक्स्ट, अगर आपको विटामिन बी या फिर डी की कमी है उसके वजह से भी आपको हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती ही है। जी हाँ, विटामिन डी, जैसे कि एक हमारे स्किन पे मेलानोसाइट सेल्स होते हैं जिसके वजह से हमारे स्किन पे, जिसकी कमी के वजह से हमारे स्किन पे पिगमेंटेशन या फिर डार्क स्पॉट बढ़ते ही जाते हैं एंड वो ठीक नहीं होते। ये मेलानोसाइट एक तरफ से विटामिन डी ही है, धूप वाला विटामिन डी मैं नहीं बोल रही हूँ, एक मेलानोसाइट विटामिन डी होता है जिसके कमी से होने के कारण हमारे स्किन पे हाइपर पिगमेंटेशन या फिर कोई भी तरह का डार्क स्पॉट्स या फिर पिगमेंटेशन होने लगता है, वो चाहे माउथ एरिया पे हो या फिर आपके पिगमेंटेशन हाइपर पिगमेंटेशन हो या फिर कोई भी ब्लैक स्पॉट्स वो पड़ने लगे आपके स्किन पे, तब आप समझना कि आपको विटामिन डी या फिर मेलानोसाइट्स की कमी हो रही है। मेलानोसाइट क्या है मुझे जितना पता है वो मैंने बता दिया है। मेलानोसाइट जो है वो एक तरह से विटामिन डी ही है जिसकी कमी से आपको हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होने लगती है। सो गाइस, मैंने आप लोगों को हर एक कारण बता दिया जिसके वजह से हाइपर पिगमेंटेशन होती है और अब हम जान लेते हैं कि इसको हम ठीक कैसे करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स होती ही है, ये नेचुरल है, हमारी स्किन है किसी ना किसी चीज से रिएक्ट कर जाती है, बट इसको हम छोड़ देंगे तो वो बढ़ती चली जाती है। सो उससे अच्छा है कि हम इसको समय रहते ठीक कर ले।
जैसे हमारी तबीयत खराब होती है तो हम जरूर मेडिसिन खाते हैं जिससे हमारी तबीयत जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, तो हमारी स्किन पे कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए हम कोई ऐसा उपाय क्यों नहीं करते हैं? और DIY से अच्छा सोल्यूशन कुछ नहीं होता है। जी हाँ, DIY एक ऐसा सोल्यूशन है जो कि हर किसी को सूट कर जाता है एंड हर किसी के लिए अफोर्डेबल रहता है, क्योंकि बहुतों को प्रॉब्लम तो रहती है बट उसके लिए उतना ज्यादा हो सकता है वो चार्ज नहीं दे पा रहे या फिर ठीक नहीं करवा पा रहे, तो उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। और DIY से बेस्ट सोल्यूशन क्या ही है, जबकि जब मन करे तब आप इसको यूज कर सकते हो, कोई एक एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं रहता है जो कि इसी टाइमिंग पे खाना पड़ेगा दवाई है या फिर कुछ भी ऐसा। चलो देख लेते हैं इसको बनाना कैसे है, लगाना कैसे है। गाइस, सबसे पहले हम लेंगे इसको बनाने के लिए एक लेमन, उसमें से हमें जितनी क्वांटिटी चाहिए, जितने हिसाब मतलब जितनी क्वांटिटी के हिसाब से आपको लेना है ले सकते हो। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ले रही हूँ जैसे कि एक बार के लिए बन जाए, एंड देन मैं अच्छे से स्क्वीज कर लूँगी। लेमन में आपको पता ही है विटामिन सी पाया जाता है, बहुत सारे और विटामिन हैं जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, बहुत सारे विटामिन इसमें पाए जाते हैं। हनी में आपको विटामिन ए, सी एंड बी भी पाया जाता है, एंड पोटेशियम भी रहता है, कैल्शियम भी रहता है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा आपका पिगमेंटेशन रिमूव करने में। तो इन दोनों को, जस्ट इन दोनों को ही अच्छे से मिक्स करना है एंड पूरे फेस पे, ऑल ओवर फेस पे अप्लाई करना है। अच्छे से जब मिक्स करोगे दोनों, हनी एंड लेमन अच्छे से मिक्स हो जाते हैं एंड इसको लगाना उतना ही इजी है, एंड कुछ इस तरीके का इसे बन के रेडी हो जाएगा। तो अब हम इसको पूरे क्लीन फेस। सो गाइस, आप लोगों ने देख लिया इसको कैसे बनाना है, अब हम करेंगे इसका इस्तेमाल अपने फेस पे। तो मैं अपने फेस पे इसको अप्लाई करके दिखाऊंगी। चलो जल्दी से अप्लाई करते हैं, मेरा फेस बिल्कुल क्लीन है तो अब इसको हम अप्लाई कर लेते हैं। सो गाइस, यहाँ पे मैं ब्रश के हेल्प से पूरे फेस पे, ऑल ओवर फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को शॉर्ट्स में बताया था कि मेरे फेस पे बहुत सारे पिगमेंटेशन हो गया क्योंकि बहुत सारे रैशेज हुए थे एंड उसके दाग रह गए थे। सो इसी से मैंने अपने पूरे दाग को रिमूव किया है एंड हाइपर पिगमेंटेशन मेरे हस्बैंड को है, तो मैं इसको अप्लाई करती हूँ उनके फेस पे एंड बहुत हद तक इसके फर्क पड़ा है। तो उनका बहुत ही कम है, अगर आपका बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लो वाला है तो आप डॉक्टर दिखाओ, और अगर आपको थोड़ा सा भी स्टार्ट ही हुआ है होना या फिर बहुत थोड़ा सा है तो अब इसको ज़रूर यूज़ करो, बहुत जल्दी फ़र्क मिलेगा आपको। सो गाइस, इसको अप्लाई किए हुए पूरे 15 मिनट हो चुके हैं, ये ड्राई नहीं होगा क्योंकि ये हनी है ऑफकोर्स, इसलिए ड्राई नहीं होगा। तो अब इसको मैं जा रही हूँ रिमूव करने। सो लुक एट माई स्किन गाइस, सुपर सॉफ्ट, ब्लैक स्पॉट्स भी अच्छे से रिमूव करता है ये, एंड पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन को बिल्कुल जड़ से रिमूव कर देगा आपका। एंड आपको बट सबसे बड़ी बात कि आपको पेशेंस रख के इसको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हाइपर पिगमेंटेशन एक दिन में नहीं होता है या फिर एक हफ्ते में नहीं होता है, तो ये इतनी जल्दी ठीक भी हो जाए तो आपको पेशेंस के साथ इसको यूज करना है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि किस किस वजह से होता है, तो उसके लिए प्रोटेक्शन जरूर लेना, एंड अगर आपको हाइपर पिगमेंटेशन हो रखी है तो इस फेस पैक को 1 महीना लगातार आप यूज करो, 1 दिन के गैप में आपको बहुत जल्दी फर्क मिलेगा, एंड आई प्रॉमिस कि आपका जो हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल धीरे धीरे रिमूव हो जाएगा। और जो मैंने पहले भी आप लोगों के साथ फेस पैक शेयर किए हुए हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो जरूर जाके एक बार देख लेना। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो, क्योंकि हाइपर पिगमेंटेशन एक ऐसा प्रॉब्लम है जो हर किसी को होता ही है, एंड इससे बहुत ज्यादा हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाता है। जी हाँ, अगर फेस पे कुछ ऐसे निशान आ जाए जो परमानेंट के लिए, तो कॉन्फिडेंस तो लो होगा ही। सो उससे अच्छा है कि आप इसको रिमूव करो एंड हैप्पी हैप्पी अपनी स्किन को रखो। सो गाइस, ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लीज सब्सक्राइब कर देना गाइस। मैं कभी भी ऐसे नहीं बोलती हूँ बट आज मैं आप लोग को बोल रही हूँ कि प्लीज सब्सक्राइब कर दो, जितना आप लोग मुझे, जितना आप लोग सपोर्ट करोगे उतना ही मैं आप लोगों के साथ मोटिवेट होंगी, आप लोगों के साथ अच्छे अच्छे वीडियो शेयर करूंगी। सो गाइस, प्लीज सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। अब मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चिल एंड सी यू, बाय गाइस।